दोस्तों, जैसे कि लाइपोमा और न्यूरो फाइब्रोमा में मैं वॉकिंग के लिए और योगा के लिए बोलता हूँ आपको। न्यूरो फाइब्रोमा में बोलता हूँ कि आप ठंडा जब मौसम रहे, यानी कि सुबह या शाम को, तब करना है। लाइपोमा में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमको लाइपोमा में कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सा वर्कआउट करें, क्या मसल्स वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं मना करता हूँ कि आपको जिम नहीं करना है, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे एक पेशेंट हैं जो कि यूरोप में रहते हैं और ये बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग करते हैं। तो मैंने कुछ वीडियो इनसे मांगे थे, तो इनके माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप वॉकिंग और रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, उसके साथ इसको भी किया करें। कभी रनिंग कर लिया करें, कभी इसको किया करें, तो बॉडी में फिटनेस अच्छी रहती है, मस्कुलिंग अच्छी रहती है और आप एक्टिव भी रहते हैं। तो लाइपोमा के लिए और न्यूरो फाइब्रोमा में आप ये कर सकते हैं। बस न्यूरो फाइब्रोमा में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको गर्मी में नहीं करना है, बॉडी से ज़्यादा पसीना नहीं आना चाहिए। या तो आप घर में कर सकते हैं, या फिर सुबह बिल्कुल कर सकते हैं, या शाम को कर सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, आपका ज़्यादा पसीना निकलेगा तो फिर आप न्यूरो फाइब्रोमा में नुकसान करता है। लाइपोमा में कोई रोक टोक नहीं है, लाइपोमा में आप कभी भी कर सकते हैं इसको। तो इस टाइप की स्ट्रेचिंग अगर आप करेंगे तो लाइपोमा में फ़ायदा भी होगा, आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी, मस्कुलिंग बॉडी रहेगी और आप फिट रहेंगे और आपको जिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आप लाइफ टाइम कर सकते हैं, और आपको लाइफ टाइम करना है दवा बंद होने के बाद भी। बहुत से लोग लाइपोमा की दवा बंद करने के बाद उल्टा सीधा खाने लगते हैं, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, खा के सोने लगते हैं, तो उनका दोबारा लाइपोमा बढ़ने लगता है। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। बहुत से लोग समझते नहीं हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने एक बार लाइपोमा रोक लिया, एक बार ठीक कर लिया, अब हमारी बॉडी में कभी लाइपोमा नहीं आएगा या न्यूरो फाइब्रोमा नहीं आएगा। आपको न्यूरो फाइब्रोमा और लाइपोमा ठीक होने के बाद भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी में वो प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी की टेंडेंसी वैसी है कि आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो जो लोग दवा बंद कर दिए हैं और जिन लोगों का ठीक हो चुका है, जैसे मेरा भी दोस्तों पूरा ठीक हो चुका है, लेकिन मैं आज इसी टाइप की एक्सरसाइज करता हूँ, मैं योगा भी करता हूँ और वॉकिंग भी करता हूँ, डाइट पर भी ध्यान रखता हूँ। तो आपको दवा बंद करने के बाद भी डाइट पर ध्यान रखना है, खासकर शादी होने के बाद। शादी होने के बाद अगर आप उल्टा सीधा डाइट करेंगे तो आपका लाइपोमा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, न्यूरो फाइब्रोमा भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से फॉलो करें और ध्यान रखें दोस्तों।